दोस्तों ये अंतरिक्ष है और आपका इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि कैसी होती है स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स की जिंदगी। स्पेस या फिर अंतरिक्ष की दुनिया रहस्यों से भरी दुनिया है। इन रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए हमारे साइंटिस्ट एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजते हैं और ये सिलसिला एस्ट्रोनॉट यूरी गागरिन के साल 1961 में स्पेस में जाने के बाद शुरू हुआ। दोस्तों स्पेस हमारी पृथ्वी जैसा बिल्कुल भी नहीं है और इसीलिए इसमें कोई शक नहीं कि स्पेस में गए एस्ट्रोनॉट्स की लाइफ काफी चैलेंजिंग होती है। वहाँ ना कोई एटमॉस्फेयर है और ना ही सांस लेने को ऑक्सीजन, ग्रेविटी बिल्कुल जीरो और ठंड इतनी कि सहन ना हो पाए। एस्ट्रोनॉट्स अपने स्पेशल सूट्स में ही अंतरिक्ष में जाते हैं, लेकिन क्या ये सूट पहनकर इनकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है? वो क्या क्या चैलेंजेस हैं जो इन एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में फेस करने पड़ते हैं और कैसी होती है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर इनकी जिंदगी? ऐसे ही कई सवालों के जवाब लेकर हाजिर है हम द मिस्टिका लैंड पर आज की इस वीडियो में। दोस्तों स्पेस में जाना धरती की किसी और जगह पर जाने जैसा बिल्कुल नहीं है, ये एक बिल्कुल ही अलग अनुभव होता है। इस दौरान एस्ट्रोनॉट्स कई फिजिकल और मेंटल चेंजेस से गुजरते हैं जिसकी ट्रेनिंग वो कई महीने या फिर सालों करते हैं। स्पेस में जाने वाले इन एस्ट्रोनॉट्स का ठिकाना बनता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पृथ्वी को 400 किलोमीटर की दूरी से परिक्रमा करने वाली एक एडवांस लेबोरेटरी है जिसे अमेरिका, रूस सहित 16 देशों ने मिलकर $120 बिलियन की लागत से बनाया है। पृथ्वी से जाने वाला कोई भी विमान ISS से जाकर मिल सकता है। एस्ट्रोनॉट्स या तो अपने शिप में या फिर इस स्पेस स्टेशन में रहकर ही स्पेस का अध्ययन करते हैं। पहले जानते हैं कि स्पेस में इन एस्ट्रोनॉट्स का काम होता क्या है। जाने तो सही कि वो क्या क्या ड्यूटीज हैं जो उन्हें स्पेस में परफॉर्म करनी होती हैं। तो दोस्तों ISS पर रह रहे वैज्ञानिकों के ये पांच काम डेली रूटीन का हिस्सा होते हैं। पहला, स्पेस का अध्ययन और एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करना। दूसरा, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की मेंटेनेंस और मरम्मत। तीसरा, डेली एक्सरसाइज जो स्पेस में बहुत जरूरी है। चौथा, ISS के बाहर स्पेस वॉक परफॉर्म करना। और पांचवा, रिलैक्सेशन, क्योंकि वो भी जरूरी है। अब इन सब ड्यूटीज को परफॉर्म करने के अलावा एस्ट्रोनॉट्स खाते पीते हैं, सोते हैं, पढ़ते हैं, टॉयलेट जाते हैं, जिन सबको करने में भी उनको बारी मशक्कत करनी पड़ती है। पहला तो स्पेस में पहुंचते ही एस्ट्रोनॉट्स की बॉडी में इंटरनल चेंजेस होना शुरू हो जाते हैं। सबसे बड़ा चैलेंज स्पेस में अगर कोई चीज पेश करती है तो वो है ग्रेविटी। धरती पर तो ग्रेविटी की वजह से हमारे पैर जमीन पर रहते हैं, लेकिन स्पेस में ऐसा नहीं होता। वहां पर आपकी बॉडी वेटलेस हो जाती है और फ्लोट करने लगती है, जिसकी वजह से रूटीन काम जैसे नहाना और ब्रश करना, इन कामों में भी काफी मुश्किलें आती हैं। स्पेस में गए एस्ट्रोनॉट्स को हड्डियों और मसल लॉस की भी बहुत शिकायत रहती है। इससे बचने के लिए इन्हें हर दिन कम से कम 2 घंटे एक्सरसाइज करनी पड़ती है। नासा 3 तरह की मशीनों के जरिए अपने एस्ट्रोनॉट्स को एक्सरसाइज करवाती है। इसमें ट्रेडमिल सबसे इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि स्पेस में ज्यादातर काम एस्ट्रोनॉट्स तैरते हुए ही करते हैं। ट्रेडमिल पर चलने से एस्ट्रोनॉट्स की टांगों की हड्डियां और मसल्स हेल्दी रहते हैं। पृथ्वी पर हम सभी के लिए एक दिन 24 घंटे का होता है और स्पेस में गए एस्ट्रोनॉट्स भी पृथ्वी की ही तरह 24 घंटे का टाइम फॉलो करते हैं। लेकिन स्पेस स्टेशन की घूमने की तेज रफ्तार की वजह से इन 24 घंटों में ये 16 बार सूर्य को देखते हैं। स्पेस में जाने वाले एस्ट्रोनॉट्स अधिकतर ओमेगा कंपनी की स्पीडमास्टर प्रोफेशनल नाम की रिस्ट वॉच का ही इस्तेमाल करते हैं। एस्ट्रोनॉट्स को ये घड़ी पृथ्वी के टाइम के हिसाब से सुबह उठने में मदद करती है। सुबह उठने के बाद ये एस्ट्रोनॉट्स पृथ्वी जैसी रूटीन ही फॉलो करते हैं, लेकिन इनका इन कामों को करने का तरीका पृथ्वी से बेहद ही अलग होता है। शुरुआत करते हैं टूथब्रश से। एस्ट्रोनॉट्स के पास एक ग्रूमिंग किट होती है जिसमें टूथब्रश और टूथपेस्ट जैसी सभी जरूरी चीजें होती हैं। ब्रश करने के लिए सबसे पहले पेस्ट को ब्रश पर लगाना होता है, और चूंकि वहां सारी चीजें तैरती रहती हैं, टूथपेस्ट उनके मुंह से बाहर ना निकले, इसके लिए उन्हें अपने मुंह को ज्यादा से ज्यादा बंद रखकर ही ब्रश करना पड़ता है। एस्ट्रोनॉट्स जो टूथपेस्ट करते हैं उसे निगला भी जा सकता है। फिर ब्रश करने के बाद अपने मुंह को साफ करने के लिए वो वाटर किट और वेट वाइप्स का इस्तेमाल करते हैं। अब बात करते हैं टॉयलेट की। बिना ग्रेविटी वाली जगह में टॉयलेट का इस्तेमाल भी अलग तरीके से होता है। सिंपल भाषा में कहें तो यूरिन के लिए बाथरूम में एक पाइप लगी होती है, और नंबर 2 के लिए बाथरूम में एक बहुत ही छोटी सी सीट होती है जिसमें एक सक्शन ट्यूब फिटेड होता है। इस सीट में एस्ट्रोनॉट्स खुद को सही से फिट करके इसका इस्तेमाल करते हैं। सफाई के लिए टॉवल या नैपकिन का इस्तेमाल होता है। एस्ट्रोनॉट्स के ह्यूमन वेस्ट को स्पेस में नहीं फेंका जाता, बल्कि पैक कर वापस धरती पर लाया जाता है,
जहां लाकर उसे जला दिया जाता है। बात करें नहाने की, तो स्पेस में नहाने के लिए एस्ट्रोनॉट शावर के नीचे एक बड़े से बैग में खड़े होकर नहाते हैं। वे पहले शैम्पू को अच्छी तरह से बॉडी पर मलते हैं और इसके बाद वे स्पंज या फिर कपड़े से शैम्पू और पानी पोंछते हैं ताकि वे इधर उधर बिखरे नहीं। शुरुआती स्पेस मिशंस के दौरान एस्ट्रोनॉट्स यूरिन को ओपन स्पेस में फेंक दिया करते थे, लेकिन अब एस्ट्रोनॉट्स का यूरिन भी फिल्टर होकर फिर से स्टेशन के ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई में डाल दिया जाता है। स्पेस स्टेशन पर किसी भी चीज को वेस्ट नहीं किया जाता। आखिरकार इसे हफ्ते के सातों दिन और 2400 घंटे इसमें रहने वाले एस्ट्रोनॉट्स को साफ पानी, हवा और पावर प्रोवाइड जो करनी होती है। सुबह फ्रेश होने के बाद ये एस्ट्रोनॉट्स ब्रेकफास्ट करते हैं। नाश्ते में यहाँ भी घर की तरह ही किचन ब्रेड होता है। यहाँ खाने की सारी चीजें डिहाइड्रेटेड फॉर्म में ही होती हैं, ताकि वो लंबे समय तक खराब ना हो सके। आमतौर पर खाने में अंडे, मीट, ब्रेड और सब्जियां होती हैं। ये स्पेशली ग्रेडेड फूड आइटम्स जापान, रूस और अमेरिका में ही तैयार किए जाते हैं। खाने के बर्तन भी खास तरह के होते हैं, ताकि जीरो ग्रेविटी में कांटे और चम्मच उड़कर किसी की आंख में न घुस जाए। इसके बाद एस्ट्रोनॉट्स अपने कंप्यूटर और इक्विपमेंट को चेक करते हैं। लिनोवो का थिंकपैड ऐसा इकलौता लैपटॉप है जिसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में इस्तेमाल करने की अनुमति है। इसके बाद धरती से संपर्क करके मिशन के बारे में चर्चा या फिर आगे की प्लानिंग की जाती है। अमेरिका, चीन और रूस ने इतिहास में कई एंटी सैटेलाइट मिसाइल्स छोड़कर कई सैटेलाइट्स को तबाह किया है, जिनका कचरा आज भी अर्थ के ऑर्बिट में घूम रहा है। कई बार मलबे के इन टुकड़ों से ISS को नुकसान भी पहुंचता है। ऐसी सिचुएशंस में स्पेस सूट पहनकर एस्ट्रोनॉट्स स्पेस स्टेशन से बाहर निकलकर इस लैब की मरम्मत करते हैं। जब एस्ट्रोनॉट अपने शिप से बाहर निकलकर ओपन स्पेस में जाते हैं तो उसे स्पेस वॉक कहते हैं। दिन भर के काम और एक्सरसाइज करने के बाद डिनर करके रात 9:30 से 10:30 बजे तक एस्ट्रोनॉट्स अपने अपने स्लीपिंग पॉड्स में जाकर सो जाते हैं और फिर अगले दिन भी वो इसी सेम रूटीन को फॉलो करते हैं। ये पॉड्स कैप्सूल जैसे होते हैं जिसमें एस्ट्रोनॉट्स स्लीपिंग बैग के अंदर आराम से सो सकते हैं। एस्ट्रोनॉट्स इन्हीं पॉड्स में अपनी पर्सनल चीजें, लैपटॉप और किताबें वगैरह रखते हैं। वहीं स्पेस क्राफ्ट में एस्ट्रोनॉट्स खुद को शिप के किनारे बांधकर सोते हैं। ये इसलिए होता है ताकि वो अपने शरीर को एक जगह पर रख सके। सोने से पहले स्पेसक्राफ्ट की वेंटिलेशन को भी इस तरह से बैलेंस किया जाता है ताकि नींद के दौरान वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज्यादा ना हो जाए। स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स उल्टे होकर सोएं या सीधे होकर, इनको कोई भी सेंसेशन नहीं होती। सिर्फ देखने वालों को ही पता लगता है कि सामने वाला इंसान सीधा है या फिर उल्टा। काम के अलावा स्पेस स्टेशन में काफी फन और मस्ती भी होती है, जिसका एक्सपीरियंस दुनिया में बेहद ही कम लोगों को है। दोस्तों, अगर ये सब देखकर आप भी ये सोच रहे हैं कि काश आप भी स्पेस और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को एक्सपीरियंस कर पाते, तो हम आपको बता दें कि आने वाले टाइम में शायद आपका ये सपना भी सच हो जाए, क्योंकि कई प्राइवेट कंपनीज तेजी से स्पेस टूरिज्म की फील्ड में अपने कदम बढ़ा रही हैं। अब वो टाइम दूर नहीं जब कंपनीज आपको स्पेस टूर पैकेजेस ऑफर करेंगी, लेकिन इसके लिए आपको एक मोटी रकम खर्च करनी पड़ेगी। पैकेज के रेट्स का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि एक स्पेस सूट बनाने में ही लगभग 80 करोड़ रुपए का खर्च आता है। इसीलिए अगर आप भी स्पेस जाने का सपना रखते हैं, तो इतने पैसे कमाइए कि एज ए टूरिस्ट आप भी अंतरिक्ष की सैर पर जा सकें। स्पेस सूट्स इतने महंगे क्यों होते हैं, इस पर वीडियो तब जब इस वीडियो पर आपके 10,000 लाइक्स मिलेंगे। तो इस वीडियो को थम्स अप देना ना भूलें, और अगर आपको ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस उस बेल आइकन पर क्लिक करके ऑन कर लें, ताकि आपसे हमारी कोई भी वीडियो मिस ना हो पाए। और सबसे अच्छी बात तो ये है दोस्तों कि ये बिल्कुल मुफ्त है। मिलेंगे आपसे फिर एक नई वीडियो के साथ। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अब हमें इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।